अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये आज की वीडियो है हानिया की शाम की रूटीन पे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। आजकल जो बच्चों को मैं अक्सर देख रही हूं कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी और बहुत ज़्यादा रोने वाले हो गए, और सिर्फ ये हानिया के साथ नहीं, मुझे लगता है हर घर में जो बच्चे के साथ जो माएँ बच्चों को मतलब फेस कर रही हैं छोटे बच्चों को, तो उन सब के साथ यही हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगे हैं, रोने लगे हैं। इसकी मेन वजह यही है कि हम लोग जो है वो टाइम नहीं देते, बच्चों को एक्टिविटीज़ नहीं करवाते। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग बच्चों को टाइम दें एटलीस्ट, और बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जैसे साइकिलिंग हो गई, या फिर उनको राइड्स पे ले गए, प्ले एरिया ले गए, और ऐसा ये सब चीज़ें जब बच्चे करेंगे तो बच्चों का जो है वो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होता है और बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, क्रैंकी नहीं होते, रोते नहीं हैं ज़्यादा। तो खैर हानिया की बिहेवियर चेंजेस आ रही थी तो मैंने सोचा मैं इसकी एक्टिविटी चेंज करूँ। पहले हम पार्क जाते थे रूटीन में, था फिर बीच में जो है वो क्लैश आ गया, तो इस वजह से अब खैर मैंने सोचा कि मैं इसको डेली जो है वो साइकिलिंग करवाऊँगी, और ये हमारे गली में ही आप एटलीस्ट निकल जाएँ लेके बच्चे को, तो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। वैसे हमारे टाइम पर तो ये सब टैबलेट और मोबाइल थे ही नहीं, तो हमारे पास तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, जिसकी वजह से हम इतने क्रैंकी होते नहीं थे। और हमारे बचपन में टाइम कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। ये तो खैर आजकल कुछ पेरेंट्स की भी गलतियाँ हैं कि माँ बाप ने बच्चों को मोबाइल और टैबलेट साथ में दे दिया। इवन हानिया भी टैबलेट जो है वो यूज़ करती है और बहुत शौक से देखती है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हालात भी ऐसे हो गए हैं कि पहले बेझिझक सब बच्चे खेलते थे, मगर अब कोई खेलता नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, इस वजह से बच्चे क्रैंकी और ज़िद्दी होने लगे हैं।